गोरख मुंडी बूढ़ों में जवानी भर दे, आंखों को 6x6 और बुद्धि को तेज कर दे, हजारों रोगों का एक रामबाण उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो बूढ़ों में जवानी भर देता है और आंखों की रोशनी 6x6 कर देता है और भी आंखों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी दूर कर देता है, बुद्धि को तेज कर देता है और भी बहुत सारे फायदे हैं इस पौधे के। दोस्तों, ये पौधा है गोरख मुंडी का पौधा। दोस्तों, गोरख मुंडी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्रावणी महामुंडी, अरुणा, पश्विनी आदि अनेक नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, ये अजीर्ण, टीबी, छाती में जलन, पागलपन, अतिसार, वमन, मिर्गी, दमा, पेट में कीड़े, कुष्ठ रोग, विष विकार और असमय बालों का सफेद होना और आंखों के रोगों में काफी लाभदायक औषधि है। दोस्तों, इसके प्रयोग से बुद्धि की भी वृद्धि होती है। दोस्तों, गोरख मुंडी की गंध बहुत ही तीखी होती है। गोरख मुंडी एक वर्षीय वनस्पति है जो कि धान के खेतों या फिर नम स्थानों में वर्षा के बाद निकलती है। ये रसदार पौधा होता है। दोस्तों, इसके अंदर काफी गंध भी होती है। इसमें काफी औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इससे वात के रोग दूर होते हैं और रक्त विकारों में भी ये काफी उपयोगी मानी जाती है। यानी ब्लड से रिलेटिव आपको कोई भी विकार हो, आपके खून में गंदगी हो, उसको साफ कर देता है ये पौधा। दोस्तों, इसका तेल भी काफी फायदेमंद होता है, लेकिन इसके सेवन से पसीने और मूत्र में एक प्रकार की गंध आने लगती है। मूत्र के रोगों में इसे अच्छा माना जाता है और ये काफी लाभ भी देता है। इससे अनेक बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों, पथरी में भी ये काफी हेल्प करता है और आधे सीसी के दर्द में यानी आधे सिर में दर्द को भी ये ठीक कर देता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या औषधीय गुण मिलेंगे इस पौधे में, क्या क्या बीमारियां आप इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, गोरख मुंडी और सौंठ दोनों का चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में गर्म पानी से लेने से आम वात की पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, इसके पत्ते पीसकर मलहम की तरह लेप से नारू रोग यानी से बाला रोग भी कहते हैं, ये रोग गंदा पानी पीने से हो जाता है, उसको भी ये खत्म कर देता है। दोस्तों, गोरख मुंडी के 4 ताजे फल तोड़कर अच्छी प्रकार से चबाएं और 2 घूंट पानी के साथ इसे पेट में उतार लें तो 1 साल तक ना तो आंख आएगी और ना ही आंखों की रोशनी कमजोर होगी। गोरख मुंडी की 1 गुंडी हर रोज साबुत निगलने से कई सालों तक आंख लाल भी नहीं होती। गोरख मुंडी चूर्ण घी शहद को मिलाकर सुबह शाम लेने से वात रोग खत्म हो जाते हैं। कुष्ठ रोग होने पर भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में गोरख मुंडी का चूर्ण और नीम की छाल मिलाकर काढ़ा तैयार करें। सुबह शाम इस काढ़े का सेवन करने से कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। गले के लिए भी ये काफी फायदेमंद है, या फिर आवाज आपको मीठी करनी है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अक्सर महिलाओं को प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो जाता है तो उसमें भी ये ले सकते हैं। फोड़े फुंसी हो जाती है, खुजली हो जाती है तो गोरख मुंडी के बीजों को पीसकर उसमें समान मात्रा में शक्कर मिलाकर रख लें और 1 बार हर रोज 2 चम्मच ठंडे पानी से लेने से इन बीमारियों में फायदा पहुंचता है। इस चूर्ण को लेने से शरीर में स्फूर्ति भी बढ़ती है। गोरख मुंडी का सेवन करने से बाल सफेद भी नहीं होते। गोरख मुंडी का जो पौधा है उसको उखाड़ कर उनकी सफाई करके छाया में सुखा लें। उस पौधे को सूख जाने पर उसे पीस लें और घी चीनी के साथ हलवा बनाकर खाइए। इससे दिल, दिमाग और लीवर को काफी शक्ति मिलती है। दोस्तों, पथरी की समस्या होने पर भी आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। पीलिए के मरीजों के लिए भी ये काफी फायदेमंद औषधि है। गोरख मुंडी के पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर यदि आप गाय के दूध के साथ लें तो इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है। यदि इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर कोई व्यक्ति लगातार 2 सालों तक दूध के साथ सेवन करता है तो उसका शरीर मजबूत हो जाता है। गोरख मुंडी का सेवन शहद, दूध या फिर लस्सी के साथ किया जा सकता है।
दोस्तों गोरख मुंडी का प्रयोग बवासीर में भी काफी लाभदायक माना जाता है। गोरख मुंडी की जड़ की छाल निकालकर उसे सुखाकर चूर्ण बनाकर हर रोज एक चम्मच चूर्ण लेकर ऊपर से लस्सी का सेवन किया जाए तो बवासीर पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जड़ को सिल पर पीसकर उसे बवासीर के मस्सों पर भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो बवासीर के मस्से होते हैं वो गल जाते हैं। पेट के कीड़ों में भी इसकी जड़ का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों गोरख मुंडी एक ऐसी औषधि है जो आँखों को बहु शक्ति देती है, अनेक बार ये अनुभव भी किया गया है। आयुर्वेद में गोरख मुंडी को रसायन कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार रसायन का दोस्तों अर्थ होता है वह औषधि जो शरीर को जवान बनाए रखे। इसलिए शरीर को जवान बनाए रखने के लिए, अपने अंदर ताजगी स्फूर्ति लाने के लिए इस पौधे का जरूर सेवन करें। अब आपको बताते हैं कि गोरख मुंडी से आप औषधि बनाकर कैसे रख सकते हैं और कैसे आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों गोरख मुंडी का पौधा यदि आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इसे जड़ सहित उखाड़ लें। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। ऐसा करने से आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। और बाकी का जो पौधा है, बाकी के पौधे का पानी मिलाकर रस निकाल लें। इस रस में दोस्तों 25% यानी कि 1/4 घी लेकर इसे पका लें। इतना पकाए कि केवल घी रह जाए। ये आँखों के लिए काफी गुणकारी औषधि है। आपने आँखों में इस घी को लगाना है, इससे आपकी जो आंखों की रोशनी है वो बहुत ही तेज हो जाएगी। 6/6 आपकी आंखों की रोशनी हो जाएगी। दोस्तों बाजार में साबुत पौधा या फिर जड़ नहीं मिलती, केवल इसका फल ही मिलता है, वो प्रयोग करें आप। 100 ग्राम गोरख मुंडी लाकर आप पीस लें, बहुत ही आसानी से ये पीस भी जाती हैं। इसमें आपने क्या करना है, 50 ग्राम गुड़ मिला लें, कुछ बूंद पानी मिलाकर मटर के आकार की गोली बनाकर रख लें। ये काम आपने लोहे की कढ़ाई में करना है। यदि आपको लोहे की कढ़ाई ना मिले तो आप पीतल की कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। यदि आपको बाय चांस वो भी ना मिले तो एल्यूमिनियम की ले लें, लेकिन आपको फायदा लोहे की कढ़ाई में या फिर पीतल की कढ़ाई में ही मिलेगा। यदि आप इसको गुणकारी बनाना चाहते हैं तो आप लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग करें। दोस्तों 300 ग्राम गोरख मुंडी लेकर इसे पीस लें, 100 ग्राम छान कर रख लें। बाकी बची 200 ग्राम गोरख मुंडी को 500 ग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी लगभग 300 ग्राम बच जाए, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा बच जाए, तब इसे छान लें। साथ में ठंडी होने पर दबाकर इसे अच्छी तरह से इसका रस निकाल लें, निचोड़ लें। इस पानी को मोटे थल्ले की कढ़ाई में डाल लें, उसमें 200 ग्राम आपने गुड़ कूट कर मिला लेना है और धीमी आंच पर इसे पकाना है। जब शहद के समान ये गाढ़ा सा हो जाए तब आग आपने नीचे से बंद कर देनी है। जब ये ठंडा हो जाए तो देखे कि काफी गाढ़ा हो गया है। यदि कम गाढ़ा हो तो थोड़ा सा और पका लें। फिर ठंडा होने पर इसमें 100 ग्राम बारीक पीसी हुई गोरख मुंडी डालकर मिला लें। अब 50 ग्राम चीनी या फिर मिश्री मिला लें इसमें। 10 ग्राम छोटी इलायची मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें और छान लें। हाथ को जरा सा देसी घी लगाकर मटर के आकार की गोली बना लें। इससे गोली बनाकर चीनी इलायची वाले पाउडर में डाल दें ताकि गोली सुगंधित हो जाए, इसमें से कोई स्मेल वगैरह ना आए। 3 दिन छाया में इसे सुखाना है और इसका प्रयोग करना है। इलायची केवल खुशबू के लिए है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपने इसका सेवन किस तरह से करना है, जो आपने ये औषधि बनाई है। दोस्तों आपने एक एक गोली 2 समय खानी है, गर्म दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार। सर्दी आने पर 2-2 गोली ले सकते हैं आप। इसका चमत्कार आप प्रयोग करके ही अनुभव कर सकते हैं। आंखें तो ठीक होंगी ही, रात दिन परिश्रम करके जो थकावट महसूस होती है वो भी नहीं होगी, वो आपके थकावट बिल्कुल सही हो जाएगी। कील मुहासे फुंसी गुर्दे के रोग कोई भी हो, सिर के रोग हो, सिर में दर्द रहता है या बालों के कोई भी रोग है,
पेशाब कम आता है या शरीर के किसी भी हिस्से से खून गिरता है तो ठंडे पानी से इसे लें। ये दोस्तों इतनी सुरक्षित है कि गर्भवती स्त्री भी इसे ले सकती है। ध्यान रहे 2 से 4 दिन में कोई लाभ तो नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको काफी फायदा मिल जाएगा। गोली को अच्छी तरह से सुखा लें, नहीं तो अंदर से इसमें फफूंदी लग जाएगी, तभी आपने इसका प्रयोग करना है। दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप इसका सेवन करें तो आपकी इससे पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपने भोजन सही समय पर खाना है। चाय पीकर भूख खत्म ना करें। चाय पीने से ये दवाई लाभ के स्थान पर आपको हानि देगी, इसलिए अपने भोजन का जो समय है वो सही रखें, भोजन की मात्रा सही रखें। तो दोस्तों आप भी आज से इस औषधि को बनाएं और इसका सेवन शुरू करें। आप कुछ ही दिनों के प्रयोग से देखेंगे कि आपके शरीर में कितना फर्क आ गया है, बीमारियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। बुढ़ापे में भी जवानी का आपको एहसास होगा, आपकी आंखें तेज हो जाएंगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति तेज हो जाएगी और भी आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।